सर एक्चुअली इस बात में कोई ज़्यादा मतलब लॉजिक नहीं है, क्योंकि मैं जिस दिन की ये बात है, मैं गांव गावदा है, यहाँ पे पिंक बोरर का अटैक था, मैं वहाँ गया था। वहाँ पे मैं जो पिंक बोरर वीट पे अटैक हुआ है इंसेक्ट का, उसकी मैं मतलब सर्वे कर रहा था। तो मेन टाइम एक रिपोर्टर आए, मतलब वो मेरे से ऐसे बातें कर लगे जैसे ये मुद्दा क्या, स्टबल बर्निंग के बारे में पूछने लगे। तो उन्होंने ही वो जो सैटेलाइट की कुछ बातें हैं जो मेरे मतलब मेरे स्पीच में भी मतलब आ रही हैं, वो सैटेलाइट के बारे में पूछते हैं। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता वो कितने राउंड लगाता है, मगर वो एक जनरल बात चल रही थी। और अखीर में मतलब वो मानयोगी और रिपोर्टर साहब थे, वो मेरे से पूछ रहे थे भी क्या फिर आप कुछ प्रमोट करते हैं। मैंने उसमें जवाब भी दिया है भी नहीं, हम ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे से कोई ऐसी प्रमोशन नहीं हुई। कोई भी किसान 4 बजे के बाद अगर लगाए, अगर क्योंकि मैं आपको एक दो इंसिडेंट्स बताता हूँ, अगर मैं 4 बजे के बाद जब सैटेलाइट में पिक्चर आती है, मैं उसका सर्वे करने गया था, तो उसमें मेरा किसानों ने घेराव भी किया है, जो मैंने उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट थी SSP साहब और DC साहब को भेज दी थी। मगर कभी भी हमने कानून के आउट कोई भी काम नहीं किया, जिससे हमारे गवर्नमेंट को या हमारी जो एक सर्विस को कोई ऐसे कोई किंतु परंतु हो। क्या लगता है फिर जो आपको बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है? देखो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता, वो ये तो मैंने आपको जो रियल बात है ये बता दी है। हमारे साइड से या डिपार्टमेंट की साइड से या प्रशासन की साइड से कोई ऐसा इशू नहीं है जिससे हम किसानों को ये प्रमोट करें, जैसे उसमें बताया गया है वो आ गया। क्योंकि देखो किसान की अगर कोई मजबूरी है, वो 4 बजे भी लगाता है, सुबह भी लगाता है, जैसे जैसे स्पॉट है वो सैटेलाइट में आते हैं उसकी हम वेरिफिकेशन करते हैं। सर आपने कुछ नहीं बोला भी 4 बजे के बाद? नहीं नहीं, मैंने मैं अब भी मैं अपनी स्टेटमेंट पे कायम हूँ। मैं कभी भी अगर इन फ्यूचर भी मुझे कोई ड्यूटी मिलेगी तो जैसे भी कानून के हिसाब से मैं काम करूंगा, मैं ऐसे काम नहीं करूंगा भी मैं कोई जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए किसी को किसी भी चीज का इफेक्ट गलत हो मैं उसको प्रमोट करूंगा, ऐसी बात मैं बिल्कुल इन फ्यूचर भी नहीं करूंगा। आपने